नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक गोस्वामी। स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सुध एंटरटेनमेंट पे। तो अभी बात करते हैं बॉलीवुड के बारे में, और फिलहाल जो है एक नया ऑफर चर्चा के अंदर आ रहा है कि 75 रुपये में आप कोई भी फिल्म देख पाएंगे। हाँ, लोगों को इस बात को लेकर के चर्चा है, मन के अंदर कई तरह की एक्साइटमेंट है कि कैसे हम 75 रुपये के अंदर फिल्म देख पाएंगे, इसके पीछे क्या वजह है कि हम 75 रुपये के अंदर फिल्म देख पाएंगे। कोई भी मूवी जो है आप 75 रुपये के अंदर देख सकते हैं। तो मैं बता दूं आपको, MAI जो है मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और सिनेमा घरों के जो मालिक हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है इसके चलते कि कोरोना महामारी के बाद जो है सिनेमा घर पूरी तरह से खुले हैं, और इस दिवस को अच्छे तरीके से मनाने के लिए वो राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाएंगे, और इसके अंदर 4,000 सिनेमा घर जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अंदर आप 75 रुपये के अंदर कोई भी मूवी देख पाएंगे। और सबसे ज़्यादा चर्चा के विषय के बाद जो है ब्रह्मास्त्र भी आप 75 रुपये के अंदर देख पाएंगे। 9 सितंबर को ये फिल्म रिलीज़ होगी और 16 सितंबर को आप मात्र 75 रुपये के अंदर ये फिल्म देख पाएंगे। क्या 75 रुपये वाला ये ऑफ़र जो है ब्रह्मास्त्र के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा? क्या ब्रह्मास्त्र से जो ये 75 रुपये का ऑफ़र है, इससे कमाई हो पाएगी? कमाई हो पाएगी तो कितनी हो पाएगी? क्या ब्रह्मास्त्र का बायकॉट ट्रेंड जो है वो काम करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि अभी तक लाल सिंह चड्ढा भी फेल हो चुकी है, लाइगर भी फेल हो चुकी है, तो इसके बारे में अभी तक कई बातें जो है फिलहाल चल रही हैं कि ब्रह्मास्त्र फिल्म कैसी होगी, कब रिलीज होगी, इसके बारे में कई कंट्रोवर्सीज इसके साथ ब्रह्मास्त्र फिल्म के साथ जुड़ चुकी है, और इसका बायकॉट ट्रेंड जो है सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। तो देखने वाली बात ये होगी कि 16 सितंबर को कितने लोग जो है ब्रह्मास्त्र फिल्म को 75 रुपये के अंदर देख पाते हैं। तो ऐसे ही इस तरह के नए नए बॉलीवुड अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।